हेलो दोस्तों, यूर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। आप सभी लोग कैसे होंगे दोस्तों? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे, चाहे वो आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो इस साल चाहे वो SOL में PG में एडमिशन लें या SOL के UG कोर्स में एडमिशन लें। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपके UG PG कोर्स के एडमिशन के बारे में कि आपके जो एडमिशन का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कितने परसेंट चाहिए होते हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, जो अगर आपने अभी हाल ही में 12वीं के एग्ज़ाम दिए हैं, इसका जो रिज़ल्ट है ये अप्रोक्स मई के मिड मई तक आ जाएगा, तो उसके बाद क्या आपके एडमिशन का प्रोसीजर रहेगा, UG कोर्स में एडमिशन किस तरह से लेना है, परसेंटेज क्या चाहिए होती हैं, कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जो UG और PG दोनों लेवल के SOL में कराए जाते हैं, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, संपूर्ण जानकारी वीडियो के थ्रू दोस्तों आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपके UG कोर्स और PG कोर्स में कौन कौन से ऐसे कोर्सेस हैं जो कराए जाते हैं, उनके बारे में आपको अभी जानकारी मिलने वाली है। SOL में कौन कौन से UG लेवल पे, PG लेवल पे कोर्स कराए जाते हैं। UG कोर्स में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं BA ऑनर्स इंग्लिश है, BA प्रोग्राम है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, BCOM है और BCOM ऑनर्स है। इसके अलावा दो कोर्स और नए ऐड किए गए हैं, जिनमें आपका BBA है और BMS है। इसके अलावा दोस्तों एक और कोर्स है, वो है इको ऑनर्स का, जो कि UG लेवल पे कराए जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके PG लेवल पे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं SOL में। PG कोर्स में दोस्तों SOL में MA हिंदी है, MA पॉलिटिकल साइंस है, MCOM है, MA संस्कृत है। इसके अलावा दोस्तों लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, ये भी कोर्स जो है SOL में मास्टर कोर्स में कराए जाते हैं PG लेवल पे। इसके अलावा दोस्तों 2023 से जो नया कोर्स लॉन्च हुआ है SOL के द्वारा, वो है MBA का, और यहाँ पे MA हिस्ट्री भी जो कोर्स है PG लेवल पे कराया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके जो एडमिशन्स है वो UG और PG कोर्स में किस तरह से लिए जाते हैं, किस तरह से एडमिशन होता है। अगर आप दोस्तों किसी भी UG कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होता है। आप डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म या जो एडमिशन फॉर्म होते हैं वो फिल करके आप एडमिशन ले सकते हैं किसी भी SOL के UG कोर्स में। अब यहाँ पर दोस्तों मार्क्स की बात की जाए कि मार्क्स कितने होने चाहिए आपके 12th क्लास में, तो यहाँ पर सिंपल सा यही कहूँगा दोस्तों कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसके 60% हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो 60% हैं, तो SOL के UG के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 60% आपके मार्क्स ही होते हैं, वहीं कम से कम देखा जाए, मिनिमम मार्क्स देखा जाए तो 50-55% रहता है क्राइटेरिया आपके एडमिशन लेने के लिए। कुछ कोर्स वाइज होते हैं, जैसे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, BCOM है, BA प्रोग्राम है, तो हर एक कोर्स का थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है। लेकिन अगर आपने 12th क्लास में पासिंग मार्क्स 60% मैक्सिमम जो मार्क्स आपने लिया है अटेंड आपके पास हैं, तो आप जो एडमिशन ले सकते हैं UG के किसी भी कोर्स में। वहीं अगर PG कोर्स में बात की जाए, तो इस साल से पहले 2023 से पहले जो एडमिशन होते थे PG कोर्स में, वो आपके एंट्रेंस बेस पे और मेरिट बेस पे दोनों बेस पे लिए जाते थे, और जो सीट्स होती थी वो लिमिटेड भी होती थी। लेकिन दोस्तों इस साल से क्या हुआ है कि आपके जो एडमिशन होंगे PG कोर्स में, मास्टर कोर्स में, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम पे नहीं होंगे। आपने अपनी ग्रेजुएशन में जो एग्रीगेट मार्क्स होंगे, उस आपके मार्क्स के बेस पे ही एडमिशन लिए जाएंगे, मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, उसी के बेस पे एडमिशन लिया जाएगा, जो कि काफ़ी आप लोगों का नुकसान होने वाला है SOL के, खासकर स्टूडेंट का। इसके ऊपर एक सेपरेट से वीडियो पहले बना दी गई है कि अगर आप मेरिट बेस से एडमिशन लेते हैं SOL में मास्टर कोर्स में, तो इसका क्या नुकसान होगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो उसके बारे में आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई भी कोर्स UG PG कोर्स में एडमिशन लेना चाहे, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होता है, कोई भी CUT, कोई भी आपको फॉर्म या एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता, डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं। PG कोर्स में मेरिट बेस पे एडमिशन लिया जाता है। ये तो बात होगी दोस्तों आपके कोर्सेज के बारे में, एडमिशन के बारे में बात करते हैं एडमिशन की फ़ीस कितनी ली जाएगी SOL के द्वारा। यहाँ पे दोस्तों अगर आप किसी भी UG कोर्स में एडमिशन लेते हैं SOL में, तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा ये अप्रोक्स 7-8,000, 7-8,000 रुपये आपको एक साल का पे करना होता है UG कोर्स में। वहीं अगर आप किसी भी मास्टर कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो इसका खासकर जैसे BA, MCOM हो गया या MA कोई और कोर्स है, तो उसके लिए जो एक साल का जो अमाउंट रहता है, फ़ीस जो रहती है,
ये अप्रोक्स 5 से 5,500 रुपये रहती है। वहीं आपके जो प्रोफेशनल्स कोर्स हैं जैसे MBA हो गया, लाइब्रेरी कोर्स हो गया, तो MBA के लिए सेमेस्टर वाइज आपके एग्जामिनेशन फ़ीस जाती है, तो इसके जो अमाउंट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, 48,000 के समथिंग कुछ अमाउंट होता है। तो इसको यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे इसका प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया जाएगा आपको हमारी तरफ से चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, तो चैनल से ज़रूर जुड़ी रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फीस जो रहती है केवल प्रोफेशनल्स कोर्स के काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसके अलावा जो मास्टर कोर्स या जो बैचलर कोर्स हैं इनमें उतनी फ़ीस नहीं रहती, कम से कम 7 से 8,000 रुपये इतनी फ़ीस रहती है। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं अब आपके जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म या जो एडमिशन फॉर्म है वो कब रिलीज़ किए जाते हैं। बेसिकली दोस्तों आपके जो UG कोर्स के जो एडमिशन है जब आपके 12th के रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद ही फॉर्म निकाले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो SOL है दोस्तों ये इतनी जल्दी फॉर्म नहीं निकालता है। इनके जो फॉर्म्स हैं एडमिशन के UG कोर्स में ये कम से कम जून या जुलाई में, इस मंथ में आपके रिलीज़ किए जाते हैं, इस मंथ में ही आपके जो है एडमिशन स्टार्ट होंगे। इसके अलावा जो सेम क्राइटेरिया है PG कोर्स वालों के लिए भी, इनका जो एडमिशन होगा मेरिट बेस पे, इनमें भी जो एडमिशन का जो मंथ रह गए भी जून जुलाई रहने वाला है, इस मंथ से पहले आपके जो एडमिशन स्टार्ट नहीं होने वाले हैं। बात करते हैं जो मेन चीज़ है वो है आपका डॉक्यूमेंट्स, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लेने हैं, वो है आपके 10th के सर्टिफिकेट, 10th रिजल्ट हो गया, 12th का रिजल्ट हो गया, अगर आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं OBC है, SC ST है, इसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वहीं अगर आप अगर आपने CBSE बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है तब तो आपको यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, तो आप किसी और बोर्ड से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, और दोस्तों प्रोविजनल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी अगर आप किसी भी UG कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं SOL में। इसके अलावा मास्टर कोर्स में जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहेगी, 10th 12th के सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं मास्टर कोर्स या PG कोर्स में तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली दोस्तों जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन यही थी कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब एडमिशन स्टार्ट होंगे, कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं SOL में या मास्टर कोर्स में, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दी गई है। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है चैनल के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। फर्स्ट टाइम व्यू कर या फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।